हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर दिल्ली पुलिस 2020 के एग्जाम को देखते हुए प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। तो हम पहला प्रैक्टिस सेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कह रहा है कि यदि P डिवाइड को दर्शाता है, Q गुना को दर्शाता है, R प्लस को दर्शाता है और S माइनस को दर्शाता है, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है। 18Q 12P 4 आर 5 एस 6 का मान दर्शाना है। इसमें अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो क्या बोला है, जो P है ना वो आपको किसका दर्शाता है, किसको दर्शाता है, डिवाइड को दर्शाता है, Q आपका मल्टीप्लाई को और आपका R जो है प्लस को दर्शाता है और S जो है माइनस को दर्शाता है। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें कुछ नहीं होता, बस आपको क्या करना है, जैसे Q है तो Q की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड की जगह आपका P की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा और R की जगह हमें प्लस दे रखा है प्लस और एस दे रखा है एस की जगह माइनस। फिर इसमें क्या होता है, जब आप साइन लगा देते हो उसके बाद अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इसमें एक क्वेश्चन ही सफिशिएंट होता है पूरे टाइप्स को करने के लिए। देखो हमने क्या करा, यहाँ पर क्यू की जगह क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई, पी की जगह क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया और आर की जगह क्या लगा दिया, प्लस और एस की जगह क्या लगा दिया, माइनस। अब देखो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास देखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, तो पहले क्या होगा हमारा डिवाइड सोल्व होगा। तो हमारा क्वेश्चन किस टाइप का बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, हम इस साइन को हटा देते हैं, हमारा क्वेश्चन बन गया 18 × 12, पहले क्या होगा डिवाइड सोल्व होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया, फिर क्या दे रखा है, प्लस 5 − 6, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 × 3 = 12, ठीक है, 18 × 3 = कितना होता है हमारा 54, फिर हमारा प्लस, देखो ये प्लस का 5 और माइनस का 6, तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर और 54 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 53। क्लियर है, ये कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इसमें दे रखा है निम्न चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। देखो ये चित्र हमारा ये दे रखा है, क्लियर है, अब इसमें हमें क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, हमें क्या करना है यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो हमने क्या करा, इसे ऐसे बना लिया। अब देखो इसे वैसे भी हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसकी हमारी ट्रिक होती है, इस वाले की क्या ट्रिक होती है, हम अंदर वाली लाइन गिन लेते हैं, ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और ये 4 हो गई, 4 × 2 = 12, 4 × 2 = 8, तो इसमें बन गए, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कौन से बन रहे हैं, एक तो ये वाला एक्स्ट्रा बन रहा है हमारा, एक ये वाला एक्स्ट्रा बन रहा है, एक ये वाला एक्स्ट्रा बन रहा है और एक ये वाला एक्स्ट्रा बन रहा है, तो टोटल एक्स्ट्रा कितने बन गए, 4 बन गए। और कुछ बन रहा है क्या इसमें, और कुछ भी नहीं बन रहा है, आप ध्यान से देखोगे नहीं मिला के, और कोई भी ट्रायंगल हमारा एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है, तो कितना हो गया 8 + 4 कितना हो गया 12, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग बताओ, आपको यहाँ तक कोई से दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछना हो तो बताओ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, इसमें क्या है आपका, दी गई श्रृंखला को अगला अक्षरों का समूह निम्न में से कौन सा होगा। देखो हमें क्या दे रखा है, LXFMTJNPNOROLR और आपका --, इसकी वैल्यू पूछी है, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। देखो ये वाला हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा था, ठीक है, आप सबको मैं करा ही चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो देख लेते हैं, अब इसकी देखो वैल्यू सबको बोलनी है, L कितने पे आता है 12 पे आता है, ठीक है, X कितने पे आता है हमारा 24 पे, F 6 पे, M किस पे आता है 13 पे, T 20, J 10, N किस पे आता है, ये मैंने शायद गलत लिख दिया यहाँ पर, हाँ नहीं सही है, N 14 पे, P 16 पे, N हमारा 14 पे, O किस पे आता है 15 पे, L किस पे आता है 12 पे। सबको याद नहीं है क्या वैल्यूज़, लर्न तो मैंने कराई थी ना, याद तो होनी चाहिए, दो चार ही लोग बोल रहे हैं बस। देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारा प्लस वन चल रहा है, ठीक है, यहाँ भी प्लस वन हो रहा है और आपका यहाँ भी क्या हो रहा है, प्लस वन हो रहा है। अब इसमें देखो सेकंड वाले का रिलेशन इससे देखो, यहाँ पर क्या हो गया -4, यहाँ भी क्या हो गया -4 और यहाँ भी क्या हो गया -4, बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर जो 6 और 10 में देखो आप, थर्ड वाले नंबर को देखो इनमें, तो क्या हो रहा है +4 चल रहा है,
मतलब कुल मिला के हमें रिलेशन मिल गया कि क्या हो रहा है यहाँ पर, प्लस वन माइनस फोर देन आपका प्लस फोर, ये चल रहा है। तो सीधी सी बात है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर प्लस वन आएगा, 15 में प्लस वन करा तो कितना हो गया 16, और 16 किस पे आता है, पी पे आता है, हमें याद है ना, प्रिंस 16 साल का, ठीक है। और हमारा फिर क्या है, देखो यहाँ पर माइनस, फिर उसके बाद माइनस चला है ना, पहले देखो प्लस वन है देन माइनस फोर है, तो यहाँ पे भी माइनस फोर हो जाएगा, एट आ जाएगा, और एट की तरह कौन दिखता है, एच दिखता है। फिर आर, आर किस पे, 18 पे, और फिर क्या होगा, प्लस वन होगा, तो 18 और प्लस फोर करोगे तो कितना हो गया 22, और 22 किसका साइन होता है, विक्ट्री का होता है, तो क्या आ गया यहाँ पर, वी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पी एच वी। क्लियर है कि नहीं है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ देख लेते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा चित्र डॉक्टर, इंजीनियर और पुरुष का संबंध दर्शाता है। देखो किस किस का संबंध बताना है आपको, डॉक्टर का, ठीक है, इंजीनियर का, ओके, एंड आपका पुरुष का। देखो ये क्वेश्चन जो है ना इस टाइप का, इसमें जो है अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। अगर जो ए ऑप्शन की हम बात करें तो ये हमें ऐसे दे रखा है, बी ऑप्शन की हम बात करें तो ये हमें दे रखा है, ठीक है। अभी आप लोगों का ये चैप्टर नहीं हुआ है, ठीक है, जब हम वो करेंगे ना स्लोक्स करेंगे तो उसके तुरंत बाद ये वाला चैप्टर करते हैं हम लोग ना। अब देखो ये इस टाइप का हमारा कुछ है, क्लियर है। अब देखो, हाँ अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा बना दिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये हमारा यहाँ पर है, ये रहा और ये रहा, क्लियर है। अब देखो इसका सी जो ऑप्शन है, इसमें ये आपका ये दे रखा, और डी ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पे, नन ऑफ डीज दे रखा है। अब देखो ये क्वेश्चन हम कैसे चेक करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और पुरुष, ठीक है। इसमें हम जो है ना, इसमें ऐसे बनाएंगे कि अब देखो किसी एक को तो, किसी एक गोले को तो हम डॉक्टर बोल देंगे, किसी एक गोले को इंजीनियर और किसी एक गोले को पुरुष। अब देखो आप क्या कर सकते हो, आप एक चीज़ ये सोच सकते हो कि यहाँ पे आपने डॉक्टर रख दिया, यहाँ पे इंजीनियर रख दिया और यहाँ पे पुरुष रख दिया। अगर जो आप इस डायग्राम को चूज़ करते हो तो ये क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि जितने भी डॉक्टर हैं ना हमारी पृथ्वी पर और जितने भी इंजीनियर, वो सारे के सारे पुरुष हैं। महिलाओं को अधिकार नहीं है ना डॉक्टर बनने का ना इंजीनियर बनने का, ऐसा थोड़ी है कि आपका, ये थोड़ी है कि जितने भी डॉक्टर मिलेंगे आपको, लेडीज़ डॉक्टर भी होती हैं कि नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है, ये बात तो सही नहीं है, क्लियर है कहीं ना कहीं, ठीक है। हाँ आप ये सोच लो कि चलो डॉक्टर को बाहर रख दो, ठीक है, और पुरुष को खाली इतने में रख दो, ठीक है, ठीक है। इसमें ये आ गया कि जितने भी जो आपके डॉक्टर हैं, जितने भी पुरुष हैं वो खाली डॉक्टर हैं, मतलब सारे के सारे जितने, इस ये क्या दिखा रहा है कि जितने भी पुरुष हैं ना, ठीक है, वो सब के सब डॉक्टर हैं, तो ऐसा थोड़ी है भाई, अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं सबके, सब अलग अलग होते हैं, तो कुल मिला के ये तो हमारा गलत ही जा रहा है, ठीक है। इसमें देखो इस वाले को चेक कर लेते हैं, ये भी हमारा गलत जाएगा, ये इसलिए जाएगा कि आपने चलो एक को पुरुष रख दिया, एक को आपने इंजीनियर रख दिया और एक को डॉक्टर रख दिया, लेकिन इसमें ये जो ये रिलेशन आ गया ना बीच वाला, ये इसे गलत कर दे रहा है। क्यों गलत कर दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर का प्रोफेशन अलग होता है और इंजीनियर का प्रोफेशन बिल्कुल अलग होता है, दोनों का काम अलग अलग है ना, तो हम डॉक्टर और इंजीनियर को मिक्स नहीं कर सकते, क्लियर है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, देखो इसमें सारी चीज़ें आ गई, पुरुष आ गया, डॉक्टर आ गया और आपका इंजीनियर आ गया। अब ध्यान से देखो इस, ये क्या कह रहा है कि कुछ जो डॉक्टर हैं वो आपके पुरुष हैं, ठीक है, और कुछ डॉक्टर पुरुष नहीं है, उनमें महिलाएँ आ गई, ठीक है, और कुछ जो इंजीनियर हैं पुरुष हैं और कुछ इंजीनियर पुरुष नहीं है, उसमें भी महिला आ गई, और ये बीच वाला पोर्शन बचा, ये एक्स्ट्रा में बच गया, जो और भी प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है, बहुत लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, सी चला जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 जो क्वेश्चन है ना, वो 5 और जो 5th और 6th क्वेश्चन है वो इस चीज़ से डिपेंड करता है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द और संख्या को चुनिए। देखो हमें जो 5वां क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है महाराष्ट्र का संबंध दे रखा है भारत से, और आपका टेक्सास का संबंध दे रखा है आपका, ये बताना है किससे, अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ये कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज पे डिपेंड करते हैं क्वेश्चन, रीजनिंग में तो आया हुआ है ये, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपकी, मैं बात करूं तो जीके वगैरह, जीएस जो है आपकी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप इसे कर पाते हो,
क्योंकि देखो हमें पता है, चलो यहाँ तो पता चल गया, देखते इतना तो हम सबको पता है कि महाराष्ट्र जो है भारत का एक राज्य है, लेकिन ये चीज़ सबको नहीं पता क्योंकि टेक्सास किसका राज्य है इनमें से, निम्न में से अलग अलग ऑप्शन दे रखे, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील और यूएसए। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर यूएसए है, क्लियर है। तो हमारा क्या हो जाए, जो टेक्सास है ना वो किसका राज्य है, यूएसए का राज्य है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है, 72, 90 और इसका 156 और ये पूछा हुआ है, मतलब 72 का तो इससे संबंध दे रखा है, फिर इसका पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। इस टाइप का ये क्वेश्चन है हमारा। देखो 72 को देखो ध्यान से, 72 क्या हो, क्या होता है हमारा, 9 × 8 होता है, 9 × 8 से कितना होता है हमारे पास, 72 होता है। और अगर जो आप 90 को देखो तो 90 क्या होता है हमारे पास, 9 × 10 होता है। और ध्यान से देखो हुआ क्या, 9 की मल्टीप्लाई हो रही है, पहले 8 में हो गई, फिर क्या बढ़ गया, 2 बढ़ गया, बात समझ रहे हो, ठीक है। 9 की मल्टीप्लाई पहले 8 में हुई है, फिर किस में हो गई, 10 में हो गई, ठीक है। अब देखो 156 देख लेते हैं, 156 देख लेते हैं। देखो अगर जो आप ध्यान से देखो ना, 156 क्या होता है, 12 × कितने, 12 के कौन से टेबल में आता है, हाँ 12 × 13, क्लियर है ना। वैसे देख लो ना, 12 × 12 और कितना बच गया, 3 हो गया, बच गया हमारे पास, तो 12 × 3 से कितना होता है, 36, क्लियर है। ये आप देख के, कुछ नंबर ये ऐसे होते हैं कि देखते ही पहचान में आ जाते हैं, क्लियर है। अब देखो, अब वही चीज़ चलेगी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये एक चीज़ है, हमारा 12 × 13 कर दिया, अब आप ये भी तो कर सकते हो कि यहाँ पे 2 बढ़ रहा था, हम क्या करें 12 × 15 कर दें, ये चीज़ भी तो कर सकते हो। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन को देखो, देखो जब आपने ये वाला स्टार्ट किया था ना, तो बड़ा नंबर इधर लिया था और छोटा नंबर इधर लिया था, बात को समझ लो। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 13 × 12 सोचना पड़ेगा, भी दोनों तरीके से सोच सकते हैं ना, क्लियर है। फिर आपका जो इधर बड़ा नंबर था वही रिपीट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 13 ही रिपीट होगा, और फिर क्या हो गया था, 2 इनमें इस इधर वाले नंबर में 2 इंक्रीज हो गया था, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 जुड़ जाएगा 12 में, तो कितना हो गया हमारे पास, 14 हो गया, क्लियर है। अब इसकी मल्टीप्लाई करके बस आंसर आ जाएगा। देखो 13 × 4 जा कितना होता है हमारे पास, 13 × 4 = 52, क्लियर है। और 13 × 1 जा कितना होता है, 13 होता है, 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 18। तो आंसर कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी चला जाएगा, ठीक है। चलो भाई अब देखो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेके आपका जो 8 तक दे रखा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर युग्म को चिन्हिए, मतलब हमें क्या बताना है, विषम बताना है। देखो जो 7th क्वेश्चन है इसका अगर जो हम फर्स्ट पार्ट देखें, तो हमें क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है, बी क्या बोल रखा है, गोलक बोल रखा है, और सी क्या बोल रखा है हमें, आयत बोल रखा है, और आपका डी क्या बोल रखा है, व्रत बोल रखा है। अब दिक्कत यह है, चलो इसमें अगर जो खाली इसकी जगह व्रत की जगह कुछ और दे देता, आपका त्रिभुज वगैरह दे देता, तो आप ऐसे सोच लेते कि सर यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि ये तो सब भुजाओं की बात हो रही है, यहाँ पर जो है हमारा गोलाई में कुछ बात हो रही है, तो ये अलग हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना कुछ और चल रहा है, यहाँ पर अगर जो बाई चांस गोलक की जगह त्रिभुज दे देता तो आप यहाँ पर व्रत लगा सकते थे कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जो व्रत की जगह त्रिभुज दे देता ना, तो हाँ तब भी गोलक ही लगाते, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखो गोलक क्यों आया, लेकिन ये इसका रीज़न क्या है, ये तो अलग पैटर्न मैंने वैसे बताया, आता है कई बार ये पैटर्न भी पूछ लेता है कि लाइनों से मिलने वाली आकृति दे दी एक, है ना, और एक गोलाकार आकृति वगैरह कुछ दे दी, तो वो विषम ही होती है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, जो वर्ग होता है, आयत होता है, ये व्रत होता है, हमेशा किस पे बनती है, 2D डायमेंशनल होती है, ये क्या होती है, 2D फिगर्स होती है। मतलब 2D का मतलब क्या होता है, इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है, ठीक है। आप देखो चाहे वर्ग बना लो 2D में बनाओगे, चाहे आप आयत बना लो वो भी किस में बनाओगे, 2D में बनाओगे, चाहे व्रत बना लो वो भी किस में बनाओगे, आप 2D में बनाओगे। लेकिन जो गोलक होता है ना वो 2D नहीं होता, वो 3D होता है। गोलक का मतलब क्या हो गया, जैसे बॉल हो गई, ठीक है, बॉल हो गई, गोला हो गया, तो उसे आप 2D में बना सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, आपको 3D की जरूरत पड़ती है। तो देखो इसे दिखाओगे भी तो ऐसे बनाओगे, गोला हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, आपको कुछ ऐसे आपको गोलक दिखाना पड़ेगा कि इसमें इसकी गहराई भी दिखा दी आपने,
बात को समझ पा रहे हो, है ना, कुछ ना कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गोला किसमें क्या हो गया, सबसे अलग हो गया, विषम है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसकी जल्दी से प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। ये 1 पे आ गया, 5 पे आ गया, 3 पे आ गया, 7 पे आ गया, 10 पे आ गया, 14 पे आ गया, 13 पे आ गया, 15 पे आ गया। क्लियर, अगर इसमें ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है प्लस 4 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है प्लस 4 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है प्लस 2 हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सबसे अलग है, तो ये हमारा अलग चला जाएगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा विषम पद हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो नाइन्थ क्वेश्चन, देखो ये जो है ना आपका नाइन्थ जो क्वेश्चन है, ये आपका श्लोक से आ गया है, कि आपका कथन वो न्याय निगमन वाला चैप्टर है उसमें से आए। क्लियर है, देखो इसमें कथन दे रखा है, कथन जो आपको दे रखा है उसमें कह रहा है कि कोई वर्ग आयत नहीं है। जो कोई भी वर्ग है ना, कोई भी वर्ग जो है वो क्या है आपका, आयत नहीं है। क्लियर, इसका वेन डायग्राम बना लेंगे हम। फिर कह रहा है सभी आयत त्रिभुज है, जितने भी आयत हैं वो सारे के सारे क्या हैं आपके, त्रिभुज है। अब इसके निष्कर्ष चेक कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कुछ त्रिभुज वर्ग है। देखो कुछ त्रिभुज वर्ग है, अब त्रिभुज के और वर्ग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है हमें, नहीं है। जब भी जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो क्या होता है, हमेशा हमारा रोंग जाता है, तो ये हमारा गलत चला जाएगा। फिर कह रहा है कुछ त्रिभुज आयत है, कुछ त्रिभुज आयत है, अब आपका देखो सभी आयत त्रिभुज है ना, ठीक है, तो लेकिन इसमें कहा है कि कुछ त्रिभुज आयत है, तो कुछ पार्ट तो है ना इसका, और सभी में कुछ वाली कंडीशन हमेशा सही होती है, हम ऐसे भी याद रख सकते हैं इसे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सही चला जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो जो आपका कह रहा है, ए ऑप्शन दे रखा है केवल निष्कर्ष 1 सही है, बी ऑप्शन दे रखा है केवल निष्कर्ष 2 सही है, तो इसका बी वाला ऑप्शन चला जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है। ठीक है, इसे यहाँ पर ऐसा ऐसे देख लेंगे हम लोग। क्लियर है, अब देखो इसे रफ कर दूँ, है ना, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये तो क्वेश्चन ही अलग सा है, इसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, ये कैसे दे रखा है हमें यहाँ पर, ये ऐसे बना रखा है, 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 51 है, हमारे पास 40 है, और ये हमारे पास 28 है, ये हमें 2 दे रखा है और ये 4 दे रखा है। अब हमें इसे बनाना है, 51 बनाना है। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें कुछ ऐसे चलता है कि इन दोनों की हेल्प से ये बनेगा, या इन दोनों की हेल्प से ये बनेगा, या इन दोनों की हेल्प से ये बनेगा, या तो ऐसे चलता है या ऐसे चलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें साफ साफ थोड़ा आइडिया लग रहा है कि जो लास्ट के दो नंबर छोटे छोटे दे रखे हैं, और बीच के दो नंबर बड़े, बीच वाला नंबर बड़ा बड़ा दे रखे हैं सब, है ना। तो इसमें अब ऐसा तो है नहीं, कुछ गुना उना से तो चल नहीं रहा, लेकिन हमें थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पहले वाले पार्ट को देख के एक आइडिया लग रहा है कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, है ना, और प्लस 2 करें तो शायद बन सकता है, है ना, लेकिन ये तब हम मानेंगे सही है जब अगले पे फॉलो हो जाएगा। तो करके देखते हैं, 6 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया, 36, और 4 को ऐड कर दिया तो हमारा आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया, 40 आ गया। बात को समझ पा रहे हो ना, तो ऐसे ही इसे कर लेंगे। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 करा तो कितना हो गया, 40 हो गया। क्लियर है, अब देखो इसमें क्या है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ देखो, ये 40 कैसे बना, देखो बोलो मत भाई, क्या है आपका, ये देखो 6 का स्क्वायर हमने करा था, ठीक है, और प्लस 4 करा तो कितना बना था, 40 बना था ना। तो अब इससे भी तो ऐसे ही बनेगा कि यहाँ पे हमने मान लिया x है एक तरीके से, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू कितना बनना चाहिए, 28 बनना चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका स्क्वायर कर दो और ये इधर प्लस का, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 माइनस के 25, तो कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। क्लियर है कि नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात को समझ पा रहे हो, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 11 के, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में देखो हमें क्या बताना है, यहाँ पर लुप्त पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताना है, लुप्त पद हमें क्या क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, 11 दे रखा है, 18 दे रखा है, 27 दे रखा है, 38 दे रखा है, और हमें 66 में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, अब ये जो पैटर्न होते हैं ना, ये नंबर सीरीज से हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम कैसे निकालते हैं कि हम थोड़ा सा आइडिया लेके चलते हैं कि हमारा कुछ मल्टीप्लाई चल रहा हो, लेकिन देखो यहाँ पे तो पास पास में डिफरेंस है,
ठीक है, जब मल्टीप्लाई चलता है ना थोड़ा बड़े बड़े डिफरेंस होते चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी लगभग बराबर सा डिफरेंस है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा, यहाँ मतलब ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लस माइनस में चल रहा है, समझ पा रहे हो। तो प्लस माइनस में चल रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखा तो क्या हो रहा है, देखो प्लस फाइव हो रहा है, यहाँ पर देखा तो कितना हो रहा है, प्लस सेवन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखा प्लस नाइन हो रहा है, मिल गया। करते करते आइडिया हो गया ना क्या चल रहा है, देखो ये प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन, तो अगला क्या होगा, प्लस थर्टीन होगा कि नहीं होगा, बात को समझ रहे हो। तो इसमें थर्टीन को ऐड कर दो, ठीक है। हमने क्या करा, देखो 38 में 10 को जोड़ा तो 48 हो गया, और 3 और जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास, 51। यही क्या है हमारा आंसर है, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। दोबारा रिपीट करना, 12 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा, देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे थे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें पूछा क्या है लास्ट में, बस ये देख लेते हैं क्या पूछा है। तो पक्षी किस में उड़ते हैं, आपको पता है पक्षी किस में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, पता है ना हवा में उड़ते हैं, क्लियर है। अब इसमें हवा को क्या बोला हुआ है, नीला बोला हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नीला। क्लियर है कि नहीं है भाई, है ना, सी ऑप्शन चला जाएगा, समझ में आया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। देखो 13 में क्या कह रहा है, यदि मोहन अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है, देखो यहाँ पर थोड़ा जो है ना क्वेश्चन अलग टाइप का है, इसे देखो, जैसे मोहन का घर बना देते हैं, चलो वैसे तो हम ऐसे बना देते, चलो आज अच्छा सा घर बना देता हूँ एक, है ना, मेरी ड्राइंग थोड़ी बहुत अच्छी है ना, ये क्या हो गया, मोहन का घर हो गया, क्लियर है ना, चलो चलो इधर देखो, गेट यही है, ठीक है ना, ये गेट है, अब इधर देखो, ये क्या कह रहा है, यदि मोहन अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है, देखो अपने घर से देख रहा है, मंदिर के पीछे से उगता हुआ देख रहा है, हमें ये नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन हमें इससे एक आइडिया लग गया, सूरज उग रहा है ना, और सूरज कौन सी दिशा में उगता है, हमेशा पूर्व दिशा से उगता है, पूर्व से उगता है कि नहीं उगता, तो हमने क्या करा, मंदिर को किधर बना दिया, इधर हमारा मंदिर बन गया, और सूरज यहाँ से उग रहा, तो इससे क्या पता चला कि ये जो डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन मंदिर की कौन सी है, ये पूर्व दिशा है, बात समझ रहे हो, और इधर इसके पश्चिम हो गया, ठीक है, ये उत्तर दक्षिण हो गया, ऐसे कुछ चल रहा है। अब देखते हैं आगे, कंडीशन पढ़ते हैं आगे क्या कहा, और उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबते हुए देखता, अब ये शाम तक बैठा है यहाँ पर, इसने पहले उगते हुए देखा, फिर ठीक है पबजी खेल रहा, अपना पूरा टाइम बिता दिया इसने यहीं पर, और क्या करा, रेलवे स्टेशन है कोई, वहां से छुपते हुए देख रहा है, तो सूरज कहाँ छुपता है हमेशा, हमारा पश्चिम की तरफ छुपता है, तो उससे क्या पता चल गया, जो रेलवे स्टेशन है वो आपका कहाँ है, पश्चिम दिशा में है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो अब देखो क्या पूछा, अब इसने पूछा यहाँ पर, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है, तो रेलवे स्टेशन से जो रेलवे स्टेशन है उससे मंदिर किस दिशा में, बता दो भाई, पूर्व दिशा में है कि नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पूर्व। क्लियर है कि नहीं है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ये हमारा ब्लड और रिलेशन से है, क्लियर है। देखो इसमें क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, रमेश और सुरेश आपस में भाई हैं, कोई बात नहीं, हमें देखो जब भी भाई हो है ना, इन्हें बना लेते हैं इसका डायग्राम, सुरेश और रमेश और सुरेश, ये तो रमेश हो गया, और ये क्या हो गया, सुरेश हो गया, और ये क्या है, आपस में भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। तथा राखी और गीता आपस में बहनें, देखो ये इन्फॉर्मेशन इनसे कुछ रिलेटेड नहीं थी, तो इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग बना लेंगे, कि हमें नहीं पता इनके साथ इनका क्या संबंध है, तो हमने क्या कर दिया कि जो हमारा है राखी और जो गीता है वो क्या है, आपस में बहनें हैं, ठीक है, फीमेल है तो गोल से बना लिया, मेल था तो आपका बॉक्स से बना लिया, क्लियर है, आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है, अब देखो रमेश का कोई लड़का है, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या बना दिया, रमेश का कोई लड़का बना दिया, हमें तो नहीं पता, लेकिन वो भाई किसका है, गीता का भाई है, तो गीता का भाई है, और गीता किसकी बहन है, राखी की बहन थी, तो ये तो हमारा संबंध आ गया इसमें। उसके बाद क्या कह रहा है, सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है, सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है, अब देखते हैं सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है, पिता पुत्री का, नहीं पिता पुत्री तो नहीं है ये, चाचा भतीजी, हाँ चाचा भतीजी हो सकते हैं भाई,
अगर जो इसका छोटा भाई है तो जो चाचा भतीजी हो गए, तो ये तो ऑप्शन जा रहा है हमारा। आगे देखना चाहो तो देख लो, वरना हमें आंसर मिल गया। भाई बहन तो नहीं है ये, है ना, ना मामा भांजे। मामा भांजे तो कब होता है, किसकी पत्नी होती है और उसका भाई ये कोई होता है ना। तो हमारा कौन सा हो गया, चाचा भतीजी। क्लियर है, समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दिए गए शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाए। तो ये केमिस्ट्री दे रखा है, शब्द का बाईं से दाईं और पांचवा अक्षर कौन सा, हमने पदानुक्रम वाला चैप्टर करा था, रैंकिंग ऑर्डर वाला। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, जो हमारा ये केमिस्ट्री है ना, सी एच ई एम आई एस टी आर वाई। अब देखो ये तो वैसे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ पूरा क्वेश्चन लिख के, वरना इसमें हमें लिखना नहीं है। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसे जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग लगाना। अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे होता है, आप देखो तो ए वाले अक्षर सबसे पहले आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी वाले आते हैं, ऐसी तो अंग्रेजी वर्णमाला चलती है। तो इसमें सबसे छोटे वाले अक्षर से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक तो तरीका क्या है, हम ऐसे देख लें कि सबसे पहले सी आता है, सी को लिख दो, इनमें देखा, फिर दूसरे नंबर पर ई आता है, ई को लिख दिया, फिर हमें पता है ना जो जो लिखते चले जा रहे हो उन्हें, हम आई नहीं आता, देखो एच आता है, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, फिर एच लिख दिया, ठीक है, फिर आई लिख दिया उसके बाद। अब देखो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ऐसे लिखने में, है ना, थोड़ा सा आता है, तो इसका बहुत अच्छा ट्रिक है जो यूज़ करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जल्दी से जो है ना इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो, 3, 8, 5, 13, 9 आपका 19, 20 राजा 18 का, और ये हमारा कितना हो गया 25, सिकंदर 19 का था, क्लियर है। तो ऐसे हमें याद है। अब देखो नंबर में कितना आसान हो गया लिखना, नंबर में तो छोटे बड़े देखने बहुत आसान है ना। आपने 3 ले लिया, 3 के बाद आपने 5 ले लिया, 5 के बाद आपने 8 ले लिया, 8 के बाद आपने 9 ले लिया, और 9 के बाद आपने 13 ले लिया, 13 के बाद आपने 18 ले लिया, 18 के बाद में 19 ले लिया, और 19 के बाद में 20, और 20 के बाद में 25, क्लियर है। अगर जो आपको प्लेस वैल्यू ऐसे याद है ना, ये नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको प्लेस वैल्यू लिख देनी है, क्लियर है। अब देखो कितना, अब आपको क्या पूछा है इसने कि आपका बाएं से दाईं ओर पांचवा अक्षर, देखो बायां पक्ष ये होता है, दायां पक्ष ये होता है, हमें पता है, ठीक है। बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर कौन सा अक्षर, पांचवा अक्षर। बाएं से दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर कौन सा है, 13, और 13 पे क्या आता है हमारा, एम आता है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, एम आ गया, क्लियर है। इसे ऐसे कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बात को समझ पा रहे हो, दोबारा रिपीट करना है तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेशन की जरूरत है नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में, हमें देखो कोडिंग दे रखी है, ठीक है, 3, 1, 5, 2, 3 को क्या बोल रखा है, सी ओ डब्ल्यू बोल रखा है, ठीक है। 3, 1, 2, 1, 5, 3, 1, 1 को हमें सी एल ओ सी के बोल रखा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि 1, 4, 9, 7, 8, 2, 0 को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो इससे ये कोडिंग बनाई है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसे ध्यान से देखो, इसकी प्लेस वैल्यू लिख के देखें। देखो ये किस पे आता है, 3 पे आता है, ये हमारा 15 पे आता है, और ये 13 पे, सॉरी 23 पे आता है, क्लियर है। डब्ल्यू तो 23 पे आता है ना, तो देखो ध्यान से देखो तो ये तो यही बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसका भी चेक कर लो, ये 3 पे आता है, ये हमारा 12 पे आता है, ये हमारा 15 पे आता है, 3 पे आता है, 11 पे आता है। अब ध्यान से देखो ये भी तो बन गया ना इसी फॉर्म में, क्लियर है। अब ये चेक करना है, अब इसे चेक करने के लिए देखो, अब शुरू में ही देखो दिक्कत क्या आ गई कि 1, 1, हाँ अगर जो हम खाली 1 को देखें तो हम क्या बोलेंगे, ए पे आता है, लेकिन हम दोनों अक्षरों को लें तो क्या होता है, एन पे आता है। ये दो ही तरीके हैं, तो जो हमारा ऑप्शन होगा या तो ए से होगा आंसर या एन से होगा, इन दो में से कोई होगा। तो देखो हमारे पास जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, शुरू के दो ऑप्शन ऐसे हैं कि जिसमें एक तो ए से शुरू हो रहा है, दूसरा एन से शुरू हो रहा है, इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन बाकी के दो तो कट गए, ये तो दो हो ही नहीं सकते, बात को समझ रहे हो। तो देखो यदि हम ए से शुरू करते हैं, पहले वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमने इसकी कोडिंग क्या दे दी, ए दे दी। अब 49 तो किसी की कोडिंग नहीं होती आपको पता है, तो इसमें दूसरे नंबर पे 4 दे रखा, तो डी आना चाहिए। क्या ये एडी दे रखा है, नहीं दे रखा, ये तो एपी दे रखा है, तो कुल मिला के ये ऑप्शन भी नहीं है, तो हम बी ऑप्शन डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन चेक करना चाहे तो देखो चेक कर लेते हैं। अब देखो 14 से शुरू कर दिया हमने, तो 14 पे क्या आता है, एन आता है, और 9 है, 9 पे क्या आता है हमारा, आई आता है,
सेवन सेवन पे क्या आता है जी आता है, एट एट पे क्या आता है एच आता है, और देखो टू टू वैसे नहीं दे रखा है, टू और जीरो ठीक है ना, आपका क्या है ट्वेंटी है सीधा, तो ट्वेंटी पे क्या आता है टी आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा नाइट, मतलब कि बी ऑप्शन चला जाएगा। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है। ये देखो थोड़ा वॉच से आया है, जो आपका घड़ी वाला चैप्टर है ना, हालांकि हमने दिशा और दूरी में जो है ना घड़ी वाले कुछ क्वेश्चंस करे हैं, लेकिन ये जो है एंगल पे डिपेंड है, और ये वाले क्वेश्चन है ना जब हम आपको घड़ी कराएंगे ना, जब घड़ी वाला चैप्टर करेंगे ये, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसे थोड़ा डायरेक्ट देख लेते हैं, अभी आपका ये वाला चैप्टर नहीं हुआ है ना वॉच वाला। देखो क्या कह रहा है, सायंकाल 8:30 बजे घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। जब भी देखो एंगल से रिलेटेड होता है ना क्वेश्चन, तो वैसे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एंगल इक्वल टू हमारा 60 h, और डिफरेंस में होता है हमारा 11 m अपॉन में 2। एक तो ये फॉर्मूला होता है, इससे तो हम कोई भी एंगल निकाल देते हैं बीच का, लेकिन हम एक चीज़ देखें ना जो घड़ी होती है तो वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसे बेसिक से समझते हैं, फॉर्मूले से तो हम वहाँ पर कर लेंगे आराम से, यहाँ पे इसका देखो बेसिक तो समझ लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ये हमारी घड़ी होती है ठीक है, हमें पता है ये घड़ी होती है। अब ध्यान से देखो, जो घड़ी होती है पूरा कितने डिग्री का कोण बनाती है, पूरा 360 डिग्री बनाती है। कितने मिनट में बनाती है, 60 मिनट में। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया इसने, 360 डिग्री का। तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये, 360 को 60 से डिवाइड कर दो तो 6 डिग्री का बनाएगी। बात समझ रहे हो, एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया, 6 डिग्री का बनाया। जब इसने एक मिनट में 6 डिग्री का बनाया, अब देखो हमें 8:30 बजाने हैं, अब बात को समझो ठीक है। और अगर जो आप चाहो ना 5 मिनट का निकाल दो सीधा सीधा, 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी भाई, 5-5 में होता है ना, अब देखो 5-5 मिनट होती है तो आराम से निकल जाता है। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का, 6 × 5 तो कितना हो गया, 30 डिग्री का बनाएगी। अब देखो 8:30 बजा देते हैं, हमारा ये 7 आ गया यहाँ पर, ये 8 आ गया, क्लियर है। छोटी सुई तो यहाँ पर बिल्कुल बीच में होती है और ये यहाँ पर होती है। अब हमें ये एंगल बताना है इनके बीच का। अब देखो 5 मिनट तो यहाँ तक हो गई है, अभी हमने देखा कितने डिग्री का बनाते हैं आप 5 मिनट में, 30 डिग्री का। यहाँ भी कितने डिग्री का, 30 डिग्री का ठीक है। और ये देखो इसका आधा हो गया ना, आधे पे है बिल्कुल बीच में, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। 30 और 30 60 और 15 कितना हो गया, 75 डिग्री, क्लियर है। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 75 डिग्री का कोण बनाएगी, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इस वाले फॉर्मूले से करना चाहो तो बहुत आसान है, ये घंटे और मिनट को दिखाता है ठीक है। देखो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं इसे, यहाँ पर बता देता हूँ, घंटे की जगह तो देखो 8:30 बजे की बात कर रहा है ना ये, तो ये तो घंटे की जगह रख दो, एच की जगह रख दो, और ये मिनट की जगह रख दो, तो कितना हो गया 60 × 8। और माइनस ये क्या है, डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस ऐसे साइन इसलिए बना रखा है कि अगर जो इधर वाला बड़ा आ जाएगा, हमें हमेशा प्लस प्लस में रखना है, क्योंकि एंगल कभी भी निगेटिव नहीं होता है ठीक है। ये वाला बड़ा आएगा तो इसमें से इसे घटा दो, ये वाला बड़ा आएगा तो इसमें से इसे घटा दो, क्लियर है। तो हमें बस डिफरेंस लेना है इसका, माइनस में नहीं लाना आंसर। 11 × m की जगह कितना रख दोगे आप यहाँ पर, 30 ठीक है, अपॉन में 2। अब देखो 6 × 8 जो कितना होता है, 48। 480 माइनस ये कितना हो गया, 330 अपॉन में 2। अब इसे माइनस कर लो, ये कितना हो गया 0, और आपने इसमें से माइनस करा 5, और 4 में से 3 गया 1, 150 अपॉन में 2, तो आंसर कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया, क्लियर है। घड़ी वाले जब क्वेश्चन आएंगे वो हम बहुत अच्छे से करेंगे। इसमें ये भी होगा कि आपकी जो है ना घड़ी मतलब एक घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है, तो कितने टाइम बाद ये मतलब सही टाइम दिखाएगी, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये पूरा हम वहीं पर देखने वाले हैं घड़ी वाले चैप्टर में। देखो 18 जो क्वेश्चन है हमारा किससे आया, पासे से आया ठीक है। नीचे दिए गए पासों में एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया, इन प्रारूपों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके यह ज्ञात करें कि यदि पासे के ऊपरी फलक पर बिंदुओं मतलब जो डॉट्स की संख्या है वो 5। अब देखो ऊपरी फलक पर क्या कह रहा है, 5, तो इसके निचली फलक पर स्थित बिंदुओं की संख्या क्या है, मतलब कुल मिलाकर क्या बताना है, हमें 5 का अपोजिट बताना है ठीक है। पासे में क्या होता है, देखो हमारा ये कैसे दे रखा है, हमें ऐसे दे रखा है, ये एक दे रखा है समझो, इसे डॉट की बजाय ऐसे लिख देते हैं, नंबर में लिख देते हैं, ये 2 दे रखा है ठीक है। ये वाला कैसे दे रखा है, 6, 2 और 3, इनमें देखो कॉमन दोनों में क्या है, दोनों में 2 कॉमन है, तो हम इससे क्लॉकवाइज ऐसे चला देते हैं,
क्लियर है। तो ये क्या हो गया, दो चार और एक आ गया, और ये क्या हो गया, दो छः और तीन आ गया। चार के अपोजिट से छः मिल गया, एक के अपोजिट तीन मिल गया, और दो के अपोजिट कौन सा होगा, जो बाकी का नंबर बचा हुआ कौन सा है, पाँच है। और लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, पाँच के अपोजिट, तो पाँच के भाई पाँच, ये कह रहा है पाँच ऊपरी फलक पर, तो निचली सबसे निचली तल पर क्या होगा, तो इसका मतलब उसका अपोजिट तो पूछना चाह रहा है कि पाँच ऊपर और नीचे क्या होगा, तो अपोजिट पूछना चाह रहा है, तो पाँच का अपोजिट क्या होगा, दो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। क्लियर है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। देखो क्या कहना चाह रहा है, जो गीता है ना, ऐसे मान लो जो गीता है सीता से तो अधिक सुंदर है, क्लियर है, लेकिन रीता जितनी नहीं है। जो गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी नहीं है, इसका मतलब क्या है, रीता से कम सुंदर है, तो सबसे सुंदर कौन हो गई, यहाँ पर रीता हो गई। क्लियर है। अब देखो, अब इसके ऑप्शंस को देखो, उसके अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा आपको बताना है, ठीक है। सुंदर नहीं है तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है। सीता जो है रीता से ज़्यादा सुंदर है नहीं ना, रीता सबसे सुंदर है इसमें, तो रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, जो रीता है गीता जितनी सुंदर नहीं है, मतलब कि कहना चाह रहा था कि रीता कम सुंदर है, ऐसा तो नहीं है, रीता तो सबसे सुंदर है। फिर कह रहा है गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, जो गीता है वो रीता से ज़्यादा सुंदर है, बताओ भाई कम सुंदर है ना, तो गलत हो गया, ठीक है। फिर डी ऑप्शन कह रहा है सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, जो सीता है वो गीता जितनी सुंदर नहीं है, ये बात तो सही है वही आपकी, अगर इन दोनों में देखो तो गीता ज़्यादा सुंदर है और सीता कम सुंदर है, तो सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, डी। बात समझ पाए, ठीक है, चलो। हालांकि ऐसे कभी किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है कि लड़ाई हो जाती है तुरंत, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है, चार बक्सों का वजन 20, 30, 40 और 60 किलोग्राम है, निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता है, और एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, कि देखो आपको अलग अलग संयोजन का मतलब ये है कि देखो इसमें क्या बोल रखा है कि आपके पास चार बक्से हैं, एक तो 20 किलोग्राम का, एक 30 किलोग्राम का, एक 40 किलोग्राम का और एक 60 किलोग्राम का। ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन, मतलब इन कोई भी संयोजन बना के देख लो, मतलब कोई भी आप बक्से लेके देख लो, और कुल वजन जो है ना, जो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, जितने ऑप्शन दे रखे हैं ना अपने पास, कौन कौन से ऑप्शन है, एक तो देखो 150 दे रखा है, 110 दे रखा है, 130 दे रखा है और 140 दे रखा है। ये कह रहा है कि कोई भी संयोजन लगा लो, मतलब कोई भी कितने भी बक्से ले लो और कोई से भी ले लो, और आपका ये इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक बक्से को एक से अधिक बार नहीं ले सकते। क्लियर है, ये समझो आपको सर पे रखने हैं, तो कोई से भी रख लो तो इनमें से कौन सा वजन नहीं हो सकता। क्लियर है। अब देखो 150 को चेक करते हैं, हमने क्या करा, जोड़ के देखें, ये 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 60 करेंगे तो देखो 150 बन रहा है। देखो 20 और 30 50, 40 90 और 60 कितना हो गया, 150। तो ये तो हो सकता है ना, ये तो हो सकता है, इतना वजन हो सकता है, तो ये वाला हम नहीं लेंगे। अब इसमें देखो 110 चेक कर लेते हैं, 110 चेक कर लेते हैं, बनता है कि नहीं बनता, कोशिश करते हैं। देखो हमने ये जोड़ा, आपका कितना हो गया, देखो अगर जो हम 60 और 30 को जोड़े तो कितना हो गया, 90, और 20 जोड़े तो 110 बन रहा है। बात समझ लो ना, बन रहा है ना, तो देखो 20 प्लस 30 प्लस 60 बन गया, तो ये भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 130 को चेक कर लेते हैं, 130 चेक कर लेते हैं, हमने क्या करा, 60 और 40 कितना होता है, 100 होता है, 30 को जोड़ेंगे तो 130 सीधा सीधा बन गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 30 प्लस 40 प्लस 60 से ही बन गया। लेकिन अब ये वाला चेक करके देखो भाई, ये तो बन गए ना तीनों, है ना, जरूरी नहीं है देखो कितने ही लें, चाहे दो से भी बन रहा है तो बनाओ, लेकिन बनना चाहिए। 140 बना के देखो, देखो हमने क्या करा, इन दोनों को जोड़ा, 100 हो गया, इसे जोड़ेंगे तो 130 बैठ जाएगा, इसे छोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और इसे छोड़े, इन दोनों को भी ले लेंगे तो आपका 150 हो जाएगा, तो कुल मिला के 140 किसी कंडीशन में नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना, तो ये वाला संयोजन नहीं हो सकता। बात को समझ रहे हो, कि हम 140 कैसे भी नहीं बना सकते इन बक्सों की मदद से। क्लियर है कि नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर आपका, कोई दिक्कत नहीं, क्या
इधर देखो अब क्या है हमारा यहाँ पर, ये हमें दिखाना, देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कुल मिला के, ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कह रहा है कि जो MN रेखा पर एक दर्पण रखा गया है, तो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं कि निम्न में से कौन सी आकृति बनेगी, तो ये कैसे होता है, देखो मिरर इमेज ऐसे चलता है कि कौन सा पॉइंट जितनी दूरी पर है ना उसे उतनी दूरी पर बनाते चले जाते हैं। अब देखो कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स ले लो, ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, ये इतनी दूरी पर है तो इतनी ही दूरी पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये इस वाले को देखा तो ये आ जाएगा ऐसे ही, क्लियर है। ये इतनी दूरी पर है यहाँ से, तो ये लगभग इतनी ही दूरी पर, मतलब जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर इधर इधर की साइड वो पॉइंट दिखाई देता है, चाहे आप शीशे में भी देखते हो ना अपने आप को, तो यही होता है कि नहीं होता, क्लियर है। तो हमारा जो है ना जो डायग्राम बनेगा ना, कुछ कुछ अगर जो हम बनाना चाहें इसे, तो इस वाले पॉइंट से हमने कुछ ऐसा बना लिया ये बॉक्स सा, तो हमारा ये गोला यहाँ पर ये ऐसे आ गया यहाँ पर ये, और हमारा ये हमने ऐसे बना दिया कुछ, ठीक है। तो ये जो ये वाला पॉइंट है ना हमारा, अरे यार ये डायग्राम कुछ ज़्यादा ही ख़राब बन गया, एक मिनट, इसे जो है ना हम इसे यहाँ पर दोबारा बनाते हैं डायग्राम को अच्छे से, फिर उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे ना, डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये बॉक्स तो ऐसे जुकतु बनेगा, ठीक है, फिर ये वाली लाइन देखते हैं। देखो ये बॉक्स बना लिया मैंने, जैसा ये बॉक्स है ऐसे ही बॉक्स बना लिया। अब ये वाली लाइन देखो, देखो इसका पॉइंट ये यहाँ से इतनी दूरी पर है, तो ये वाला भी पॉइंट इतनी दूरी पर आ गया, ये पॉइंट आ गया, इस वाले का पॉइंट यहाँ पर है इतनी दूरी पर है, तो ये वाला भी पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये वाली लाइन यहाँ पर मिल गई। बात समझ में आई? अब देखो, अब ये सर्कल है, तो ये सर्कल का देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका पॉइंट ये इतनी दूरी पर है, तो ये भी इतनी दूरी पर आएगा। इस वाले सर्कल का पॉइंट ये यहाँ पर कहीं आ रहा है, तो इसका भी पॉइंट ये यहाँ पर कहीं आएगा, और ये सामने आ रहा है, तो ये ऐसे कुछ कुछ बन जाएगा। बात को समझ रहे हो? सर्कल भी बन गया हमारा। अब ये वाला पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ दिखाई देगा। बात समझ पा रहे हो? और ये वाला पॉइंट यहाँ है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ दिखाई देगा, क्लियर है। अब देखो, अब जो ये वाला पॉइंट है इतनी दूरी पर है इससे, तो ये वाला पॉइंट भी इतनी दूरी पर होगा इससे। हालांकि देखो ये मैं वैसे बता रहा हूँ समझाने के लिए, वरना तो ये तो हम देख के भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये इतनी दूरी पर है, तो लगभग इतनी दूरी पर यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा, तो ये यहाँ पर कहीं आएगा, तो हमारा ऐसा कोई ऑप्शन होगा जो उसके अंदर होगा। तो हमारा कौन सा चला गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी चला गया। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? वरना तो देख के भी आइडिया लग रहा है कि ये इतनी इतनी दूरी पर है। पॉइंटों को रखोगे ना तो ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ने की, माइंड में ही हो जाता है कि हाँ ये इतनी इतनी दूरी पर है, क्लियर है कि नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 22। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। देखो इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो देखो देख लेते हैं हमने क्या करा, एक बार बना लेते हैं फिर इसे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है, ठीक है। हमारा ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे बन रहा है। फिर इन्होंने क्या करा है, ये ऐसे जोड़ दिया, इसे ऐसे जोड़ दिया, और इस वाले को हमारा ये वाला ऐसे जोड़ दिया, क्लियर है। अब देखो अगर जो हमें ये वाली आकृति पूरी करनी है, तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये वाली आकृति ऐसे आएगी, पता चल रहा है ना। ये देखो ट्राइंगल है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, है ना, तो ये वाला कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो ऐसे वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ गया। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आई बात, है ना। इसे देख के आराम से हम इजीली कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। कौन सा ऑप्शन नंबर? क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये हमारा क्या है, ऐसे दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, और ये ऐसे एक ट्राइंगल सा बना के दिया हुआ है, और ये हमारा सर्कल दिया हुआ है। इनमें नंबर्स लिखे हुए हैं 2, 3, 4, 1, 5, 7, 6, क्लियर है। अब इसमें कह रहा है कि नीचे दिखाई गई आकृति में त्रिकोण, आयत और वृत्त द्वारा क्रम से शहरी, मेहनती और शिक्षित लोगों को दर्शाया गया है। देखो जो त्रिकोण है उसके द्वारा तो कौन से लोग हैं हमारे? शहरी लोग हैं। बात को समझ रहे हो? ठीक है। और जो आपका आयत है उसके द्वारा क्या है? आयत के द्वारा किसको दर्शाया गया है? मेहनती लोगों को दर्शाया गया है, क्लियर है। और आपका जो व्रत है उसके द्वारा शिक्षित लोगों को, ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, शिक्षित लोगों को दर्शाया गया है।
तो ये हमें इसमें ही बताना है। तो ऐसे लोगों इनमें से कौन सा हिस्सा ऐसा है जो ऐसे लोगों का जो शहरी व शिक्षित तो है किंतु मेहनती नहीं है। देखो शहरी और शिक्षित में कौन कौन आ रहे हैं, ये शहरी हो गए और ये शिक्षित हो गए, दोनों में कॉमन कौन से आ रहे हैं, तीन और चार। जो शहरी और शिक्षित लोग हैं वो तीन और चार कितने हैं, सात हैं। लेकिन हमें तो क्या बोल दिया, शहरी और शिक्षित तो होने चाहिए लेकिन मेहनती नहीं होनी चाहिए। अब तीन की क्या दिक्कत है, तीन मेहनती भी हैं, तो ये तीन तो हमें हटाने पड़ेंगे इसमें से। तो कितने बच्चे खाली, चार ही। चार लोग ऐसे हैं हमारे पास जो शहरी भी हैं शिक्षित भी हैं लेकिन मेहनती नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। इसी में पूछ लेते ना कि शहरी और शिक्षित लोग कितने हैं, सिर्फ ये पूछ लेते ना शहरी और शिक्षित है, तो ये चार और तीन सात, दोनों पूरा सात आंसर होता। वो इसलिए होता कि मना तो नहीं करा ना मेहनती के लिए, इसलिए होता। क्लियर है? देखो 24 में क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, एक क्वेश्चन से पूरा टाइप क्लियर हो जाता है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, है ना। ये तो आसान आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल ही। बी हमारा उसे, सी में हमारा क्वेश्चन दे रखा है और ये हमारा क्या है, COMPLY। अब देखो एक गेम नहीं खेलते हम लोग, वो आता है उसमें बहुत सारे अक्षर से होते हैं, उन्हें मिला के हम शब्द बनाते हैं। अब मान के चलो आपके पास जो अक्षर ला के दिए ना, वो ये वाले अक्षर हैं कि C मिल गया एक आपको, एक O मिल गया, एक M मिल गया, एक P मिल गया, एक A मिल गया, दो S मिल गए आपको, क्लियर है, एक I मिल गया, एक आपको O और मिल गया, एक N और मिल गया, एक A मिल गया, एक T मिल गया और एक E मिल गया, ऐसे कुछ अक्षर दे रखे हैं। अब ये कह रहा है इनमें से कौन से अक्षर बनाए, इनकी मदद से कौन से अक्षर बनाए जा सकते हैं, कौन से नहीं बनाए जा सकते, इस टाइप का समझ लो आप इसमें। अब देखो पांच तो बनाया जा सकता है क्योंकि P भी आपके पास, A भी और S दो हैं, तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बन जाएगा। M O, देखो M भी है, O भी है और दो S है, बन जाएगा, दो S चाहिए, दोनों S हैं हमारे पास, ठीक है। पैशन, पैशन तो देखो पूरा बीच में ही दे रखा है, तो बना बनाया ही है, क्लियर है। अब देखो सी ओ एम, सी ओ एम है हमारे पास और पी भी है, इतना तो बन जाएगा, लेकिन एल नहीं है, एल है हमारे पास नहीं है, तो वाई भी नहीं है, मतलब कोई एक भी ना मिले ना तो हम नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा इसमें, डी चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ लेंगे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन है, ये भी अभी आप लोगों का नहीं हुआ है, ये भी आपका चैप्टर आएगा। देखो इसमें क्या है, पहला क्या दे रखा है, कभी नहीं, क्लियर है, फिर दे रखा है कभी कभी, ठीक है, इसे अभी समझ लेते हैं बस, फिर दे रखा है सामान्यतः, फिर आपको दे रखा है यदा कदा, ठीक है, और फिर दे रखा है हमेशा। देखो अब इसमें हम समझते हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन है कि आप अपने दोस्त के पास गए और आपने अपने दोस्त से पूछा कि भाई ये बता कि तू मेरी ज़रूरत पड़ने पर मेरी मदद करेगा कि नहीं करेगा, और उसका जो आंसर होगा ना उसे सुन के आपको कितना अच्छा लग रहा है या कितना बुरा लग रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन है। बात को समझ पा रहे हो? देखो देखो अब सुनो, अब आपको जो है ना इस सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे अच्छा कब लग रहा है ना, ऐसे लगाते हैं, ठीक है। अब देखो अगर जो आपने पूछा कि यार तू कब मदद करेगा, तो होता नहीं कई बार कहते हैं अरे तू तो जब कहेगा मैं तो हमेशा रेडी हूँ, रात को 2 बजे आ जाना, क्लियर है, होता है। तो जैसे ऐसे कोई बोलेगा भली करे ना, लेकिन होता है कि नहीं होता, क्लियर है, इशारा मत करो है? इधर देखो, ठीक है, नहीं होता है लेकिन कुछ लोग कर भी देते हैं, है ना, है ना, लेकिन हाँ मुझे तुम पे यकीन है, तुम कह जरूर दोगे, है ना। देखो अब क्या है, तो हमेशा वाली बात है ना, तो हमेशा का मतलब क्या है यहाँ पर, कि वो 100% हेल्प करने वाला है हमारी, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, तो वो क्या होगा हमारा 100% वाली बात हो गई यहाँ पर, क्लियर है। अब देखो उसके बाद दूसरे ने कहा कि यार सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब होता है कि यार कर, मतलब ज़्यादातर मैं कर दूंगा, मतलब सामान्यतः नॉर्मल कंडीशन में कर दूंगा, लेकिन अब ये थोड़ी है कि मेरी टांग टूटी पड़ी और तू कहे चल मेरे साथ तो ऐसे नहीं है ना, तो कुल मिला के सामान्यतः मतलब कंडीशन होगी तो मैं कर दूंगा, मतलब 80-90% है कि मैं करूंगा, लेकिन कई बार ऐसी होती है ऐसी कंडीशन हो जाती है कि नहीं भी कर पाने का, है ना। लेकिन जो ऐसी बात बोलते हैं ना वो कहीं ना कहीं थोड़े जेन्युइन लोग होते हैं, वो सही बात बताते हैं, ठीक है, जो ये वाले तुम्हें कभी नहीं दिखाई देने के, सही बता रहा हूँ मैं, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है,
फिर एक के पास गए, उसने कहा यार कभी कभी तो कर ही दूंगा, चल कोई नहीं, तू आएगा कहेगा इतनी दूर से आया तो कभी कभी मेरे लायक होगी तो कर दूंगा, मतलब 50-50% है, तो कर भी सकता हूँ, मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मूड अच्छा हुआ तो कर दूंगा, मूड अच्छा नहीं हुआ तो नहीं करने का। क्लियर है, है ना, है ना। एक मिनट बोलो मत यार, मतलब फालतू चीज़ें नहीं फिर, है ना। क्या है फिर, क्या हो गया हमारा कभी कभी, ठीक है। अब क्या है यदा कदा, यदा कदा का मतलब होता है कि मतलब बस बहुत ही कम चांसेस हैं, मतलब 20-30% ही मानो कि मूड अच्छा भी हुआ ना तब भी सोचूंगा, है ना, ठीक है। तो हमारा 20-30% ही चांसेस हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और एक ये है मैं तो कभी आ जाइए, मैं तो करने का ही ना हूँ तेरी तो बिल्कुल नहीं करने का, तो मतलब कभी नहीं 0% की मेरी तरफ से तो मना ही है, सोच ही मत आने की तू, है कि नहीं। अब इन्हें सीक्वेंस में लगाते हैं, देखो पांचवी वाला सबसे पहले आया, ठीक है, पांचवा वाला सबसे पहले आया, फिर दूसरी वाली 80-90% वाली बात हो गई, ठीक है, फिर हमारा चौथे वाला आ गया, नहीं सॉरी, फिर हमारा दूसरे वाला आ गया, फिर हमारा चौथे वाला आ गया, और फिर हमारा क्या आ गया, पहले वाला आ गया, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। इन्हें इस टाइप के बहुत सारे बनते हैं, जैसे प्राय वगैरह वाले भी बनते हैं, तो वो अलग अलग हर चीज़ में यही चीज़ें हमें सोच के करनी पड़ती है, बस डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन है, ये जब आएगा टॉपिक तो हम करेंगे अच्छे से। अब आ जाते हैं मैथ्स पे, ठीक है, रीजनिंग वाले पोर्शन में इतने ही क्वेश्चन थे, अब मैथ्स वाले पे आ जाते हैं, क्लियर है। अब मैथ्स वाला पोर्शन देखते हैं, भाग तीन अंकिक योग्यता, ठीक है। तो क्योंकि इसमें मैथ्स में जो है 15 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में, तो वो वाले क्वेश्चंस देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, उसमें क्या कह रहा है, कमल और आश्रा की मासिक आय कितनी है, 4:3 के अनुपात में, उनका मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में, दोनों ही 600 रुपये प्रति माह की बचत करते हैं, उनकी कुल मासिक आय कितनी है। देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा रेशियो से आया, अनुपात वाले से आया है, इसमें क्या है, देखो अगर जो हम मासिक आय की बात करें, जो कमला को हमने के से लिख दिया और जो आपका आश्रा है वो हमने ए से लिख दिया, ठीक है। इनकी मासिक आय मतलब इनकम की बात हो रही है, तो के आई और ए आई का रेशियो कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है, क्लियर है। और जो आपका इनका मासिक व्यय दे रखा है, ठीक है, मासिक व्यय कितना दे रखा है इनका, देखो व्यय को बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होता है खर्च को बोलते हैं, मतलब जो खर्च किया जाता है उसे इंग्लिश में एक्सपेंडिचर बोलते हैं, तो ई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो के ई अनुपात ए ई कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर बोल दिया 3:2 दे दिया, क्लियर है। अब दोनों ही 600 रुपये प्रति माह की बचत करते हैं, ठीक है। अब देखो बचत कैसे होती है, अगर जो मैं इनकम में से आपका खर्च घटा दूं, व्यय घटा दूं, तो वो बचत ही तो होती है टोटल। बाई चांस आपने मान के चलो 1000 रुपये कमाए एक दिन में, है ना, और उसमें से आपने 600 रुपये खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हुई, 400 रुपये की हुई कि नहीं हुई, क्लियर है। अब ये थोड़ी 1000 कमाए और 1200 खर्च कर दिए, फिर तो लॉस में चले जाओगे, है ना। अब इधर देखो, तो यहाँ पर क्या है, अब दिक्कत क्या है कि ये चीज़ें अनुपात में दे रखी है। अब अनुपात में ऐसे देता है ना, तो हमें पता है कि जब भी अनुपात में देता है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर जो मुझे इनकम लिखानी हो के आई की, तो क्या लिख दूंगा, 4x लिख दूंगा, कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा इनके बीच में, तो कॉमन फैक्टर मान लिया हमने, और आपका इसके कितनी लिख दी हमने, 3x लिख दी, क्लियर है। और आपका इनकम, इनकम वो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की बात करें तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, के ई बात करें तो 3y हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास, ए ई हो गया, तो हमारे पास 2y हो गया, चाहे तो ऐसे लिख लें। देखो एक ही बात है, एक्स इनकम में से खर्च घटा दो तो हमारे पास बचत आ जाती है, या एक चीज़ कर लो, इनकम में से हम बचत घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा, बात तो वही है। अभी मैंने आपको 1000 रुपये का एग्जांपल दिया था कि 600 रुपये खर्च करें, तो आपने माइनस कर दिए, 400 बचे, लेकिन अगर मैं बोलूँ 400 रुपये बचा रहे हो तो आप खर्च निकाल सकते हो कि नहीं कर सकते, 1000 में 400 घटा दो आपके खर्च कितने हो गए, 600 हो गए। तो वही चीज़ यहाँ पर करनी है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि दोनों ही 600 रुपये प्रति माह की बचत करते हैं, कितनी बचत करते हैं दोनों ही, 600 रुपये प्रति माह की बचत करते हैं। तो देखो इनका जो है ना खर्च निकाल लेते हैं, खर्च कितना हो गया, खर्च इसके खर्च की बात करूं मैं तो 4x - 600 ये खर्च हो गया इसका, तो ठीक है, जो कमला है उसका खर्च कितना हो गया, 4x इनकम में से 600 रुपये बचत के घटा दिए तो खर्च बचा, ठीक है, और इसके भी हमने घटा दिए, ठीक है, इसके क्या है इनका रेशियो बना रहे हैं हम खर्च, खर्च का कि कितना मतलब खर्च हो रहा है, क्लियर है। तो हमारा क्या है 3x - 600, इन्होंने भी 600 खर्च करे तो इनकम इतनी हो गई हमारी,
क्लियर है, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, मतलब ये बचत है ना और ये आपका इनकम है, इनकम में से बचत को घटाया तो खर्च आ गया, और यहाँ भी तो ये खर्च का ही अनुपात दे रखा है इनका, तो क्या हो गया 3y अपॉन में क्या हो गया 2y हो गया। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चंस डिटेल में करने वाले हैं प्रैक्टिस, क्योंकि डायरेक्ट इस लेवल पर नहीं आया जाता, पहले बहुत बेसिक क्वेश्चंस करते हैं देन इस लेवल पर आते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या है, वाई से तो वाई कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, तो ये देखो 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 8x हो गया, और माइनस के आपके 600 की 12 में हो गई 1200 हो गया, ये 3 3 9x, और ये आपका कितना आ गया माइनस के 1800। क्लियर है। अब इसे या इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास माइनस एक्स बराबर कितना बच गया, माइनस के 600 बच गया, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, जीरो कह रहा माइनस से माइनस कट गया, क्लियर। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 600 आ गया। तो ये कह रहा है कि उनकी कुल मासिक आय क्या है। अब देखो उनकी कुल मासिक आय क्या है, अब देखो कुल मासिक आय कितनी हो जाएगी, अब हमने x की वैल्यू निकाल दी, दोनों की कुल मिला के मासिक आय कितनी है, 4x प्लस 3x कितनी हो गई, 7x हो गई कि नहीं हो गई, बात समझ लो। तो हमने क्या करा, 7x वैल्यू पुट कर दो, कुल मासिक आय पूछ रहा ना दोनों की, क्लियर है। तो क्या हो गया, 7 × 600 कर देंगे, क्लियर है। हमारे 7 6 कितना हो गया, 42, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4200, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, 77 देख लेते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या कह रहा है, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6000 रुपये पर होगा, उतना ही ब्याज आपका 8000 की राशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर पर कितने समय में होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो ट्रिक की भी जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है। इसमें क्या कहना चाह रहा है, जो SI1 है ना वो SI2 के, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज का हम सबको फॉर्मूला पता है क्या होता है, PRT अपॉन में 100 होता है, होता है कि नहीं होता, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 वर्ष, देखो हमारा क्या हो गया, PRT अपॉन में 100 हो गया, चलो इन्हें R1 बोल दिया, और ये क्या हो गया, PRT P2 R2 T2 अपॉन में 100 हो गया। क्लियर है। देखो 5 वर्ष में 4% के साधारण ब्याज की दर पे 6000 रुपये पर, अब देखो P की जगह तो क्या लिखा है, 6000 है, 6000 दे रखा है, दर कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, और समय कितना दे रखा है, 5 दे रखा है बटे 100। हालांकि 100 को तो 100 से काट दो यहीं पर, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इधर गुना में जाएगा तो कट जाएगा। P2 दूसरा क्या दे रखा है, 8000 रुपये की राशि पर कितना, 3% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में होगा ये ब्याज जो है, उतना ही ब्याज। क्लियर है। तो P की जगह कितना आ गया, 8000 आ गया, और आपका दर कितना दे रखा है, 3, और T2 आपको निकालना है, कोई दिक्कत भी कह रहा है ना यहाँ पर। तो मतलब 6000 पर ये कह रहा है, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6000 रुपये पर होगा, उतना ब्याज 8000 रुपये की राशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर पर कितने समय में होगा, उतना ही ब्याज, ठीक है, क्लियर है। अब देखो टाइम पूछा है, इसे सोल्व कर लो, निकाल दो, देखो 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गई, डिवाइड में तो आना है ये, 4 1 4 4 2 8, ठीक है, 3 1 3 3 2 6, 2 से ये 2 कट गया, T2 बराबर कितना आ गया, 5 वर्ष, आंसर बताओ, कोई दिक्कत। देखो ये क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसको 24, 30 और आपका 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचना चाहिए, 5। देखो छोटी से छोटी संख्या की भी बात हो गई, और इस संख्या जो संख्या है ना उसे इन सब संख्याओं से वो भाग भी होनी चाहिए, तो कौन से क्या होता है, वो लैसे होता है कि नहीं होता। लैसे क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो लैसे वाली बात आ गई डेफिनेशन। तो लैसे निकालना है यहाँ पर, और प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचना चाहिए, तो देख लेते हैं पहले, तो इसका जल्दी से लैसे निकाल लेते हैं। लैसे कैसे निकालेंगे, बड़ा नंबर ले लिया 54, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 54 के अंदर कितना होता है, 6 निम कितना होता है हमारा, 54 होता है ना, तो 6 निम हमारा 54 होता है, तो 6 वाले फैक्टर निकाल दिए 5, अब 9 से तो डिवाइड होगा नहीं, ऊपर 5 बच गया, इसमें से 6 के निकाल दिए फैक्टर, तो कितने, 6 4 54, क्लियर। अब तो 9 से तो कटेगा नहीं, तो दूसरा बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, फिर क्या है, 4 है, ये भी ले लिया, इनमें तो आपस में कोई कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो कितना हो गया, देखो 5 4 20, 54 गुना
20 जीरो आ गया, 54 की इसमें गुना कर दी दो में, तो कितना 8 और ये कितना हो गया 10, तो 1080 क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। अब देखो प्रत्येक दशा में क्या शेषफल बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। देखो ये तो नंबर पूरा पूरा कटेगा ना इनसे, प्रत्येक दशा में 5 शेषफल क्या बचता है, इसकी क्या ट्रिक होती है, जब ऐसे शेषफल बचता है जो भी हमारा लैसे आता है उसमें क्या जोड़ देते हैं, जो शेषफल बच रहा है उसे ही जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना आ गया 1085 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। बात समझ पा रहे हो, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 79 बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर अपॉन में 893 इंटू 786। देखो अगर जो मैं इसे ए बोल दूं, इसे बी बोल दूं, या इसे देख के भी पता चल रहा है ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में टू अपॉन में ए बी बन रहा है, ठीक है। अब हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, आपका अपॉन में ये तो खैर ए इंटू बी बन रहा है, लेकिन जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4ab होता है कि नहीं होता हमें पता है, 4ab होता है। इनकी वैल्यू कुछ भी दे रखी हो हमें मतलब ही नहीं है, ए बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, कुल मिला के ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बाद में इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 4, यही क्या है हमारा आंसर है। कोई दिक्कत इस टाइप के क्वेश्चन में, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बालकों वाला क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 80 देखो जल्दी से, इधर हद होगी। देखो देखो 50 संख्याओं को औसत कितना दे रखा है, 38। देखो औसत कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो 50 संख्याओं का औसत है वो कितना है, 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो जब औसत कितना है, 38 है, तो इसका योग निकाल लेंगे। योग क्या होता है हमारा, औसत गुना पदों की संख्या। औसत कितना, 38 है, और पदों की संख्या कितनी है, 50 है, तो 38 गुना 50 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1900 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब क्या कह रहा है कि दो संख्याएं निकाल दी, कौन कौन सी दो संख्याएं निकाल दी, एक तो 55 और 45 निकाल दिए इसमें से, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो कितना बैठ गया, 100 बैठ गया। क्लियर है। अब जब दो संख्याएं निकाल दी तो कितनी बची हमारे पास, 48 बची। अब देखो 48 संख्याओं का योग निकाल दो। देखो ये तो 50 संख्याओं का योग था और जो दो संख्याएं निकाली उनका योग 100 है, तो इन्हें जब इसमें से घटा देंगे तो 48 संख्याओं का योग आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास, 1800 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इससे हमें डिवाइड कर देंगे। कर लो देखो, अब कर लेते हैं इसे डिवाइड। हमने करा इसे, देखो ये 9 से ये नहीं हो रहा, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है। 3 1 3 हमारा कितने चला गया, 3 6 18। क्लियर है। 3 से इसे डिवाइड करा, हमारा 3 6 कितना हो गया, 18 हो गया, 600 टाइम्स चला गया। 4 से देखो, 4 से डिवाइड हो रहा, 4 4 16। 4 से करा, 4 1 4 और हमारे पास 2 बच गया, तो 4 5 हमारे पास 20 और 0 आ गया। 2 से कर लिया तो हमारे पास कितने टाइम्स चला गया, 75 टाइम्स चला गया। 2 से दोबारा काट लिया इसे, तो 2 3 6 और 1 चला गया, 2 7 14 और 0.5, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 37.5 आ गया। क्लियर है। कुछ नहीं करा, बस हमने योग निकाला, ठीक है, और जो संख्या निकाल रहा था उसे घटा दिया, तो 48 संख्याओं का योग आ गया। हमें औसत निकालना था इन 48 संख्याओं का, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, 1800 बटे 48 करा तो 37.5 आ गया। क्लियर है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं, रफ कर दूं इसे। क्वेश्चन नंबर 81 देखो भाई, 81 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 272 का स्क्वायर माइनस के 128 का स्क्वायर का वर्गमूल निकालना है। मतलब का वर्गमूल मतलब इसका क्या निकालना, हमें वर्गमूल बनना है। ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी होता है। क्लियर है। अब देखो ए की जगह ये दे रखा है, बी की जगह ये दे रखा है, तो देखो अंडर रूट इन दोनों को जोड़ दो। देखो 200 और 100 को जोड़ेंगे 300, और 72 और 28 कितना होता है, 100 होता है। 300 और 100 कितना हो गया, 400 हो गया। क्लियर है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इसमें से इसे घटा लो। देखो 12 में से 8 गया 4, कितना बच गया यहाँ पे, 6 बच गया, 6 में से 2 गया 4 और ये फिर 1 आ गया, तो कितना हो गया, 400 गुना 144। ये किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। 400 किसका वर्गमूल होता है, 20 का होता है। क्लियर है। और 144 12 का होता है, गुना कर दी 12 दूनी 24, तो आंसर कितना आ गया,
240। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है आपको, ये तो बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं है। दो गुना तीन प्लस दो गुना आपको क्या दे रखा है, 3 - 6/2 और ये आपका +7 का मान क्या है, इसका मान निकालना है। बोर्ड अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास क्या होता है, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट हम सबसे पहले सोल्व करते हैं, मतलब ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होता है और ब्रैकेट में सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से हम सोल्व करना शुरू करते हैं हमेशा। तो हमारा क्या है, देखो ये 6/2 है तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, ब्रैकेट अंदर से सोल्व करना शुरू कर देते हैं, 2 1 2 2 3 6। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कैसा बन गया हमारे पास, 3 + 2 × हमारा ये 3 - ब्रैकेट खोलेंगे, ये अंदर प्लस का है, -++-। ठीक है, +7। क्लियर है, अब 3 - 3 तो 0 हो जाएगा, 2 × हमारे पास 3 + 2 × 3 - 3 कितना हो गया, 0 हो गया, ये +7। अब 0 की तो किसी भी संख्या में गुना करो वो 0 ही रहता है। क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 × अब इन दोनों को, ये तो 0 ही बन जाएगा, 0 को किसी भी नंबर में जोड़ेंगे वही नंबर आता है, तो 3 + 0 3, और 3 और 7 को जोड़ेंगे कितना आ गया, 10 आ गया। अब ब्रैकेट खोल दो, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 2 × 10 कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। क्लियर है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा इसमें, बी चला जाएगा इसमें भी। इसमें क्या कह रहा है, देखो 2/3, 3/5 और 5/8 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। तो देखो इसके हमें बहुत अच्छी ट्रिक पता है, हम क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को माइनस करते हैं, तो क्या बच गया, 2/1, ये कितना बच गया, 3/2, और ये कितना बच गया, 5/3। अब देखो सब सेम बनाना है। ठीक है, अब इतने बड़े नंबर नहीं है ना, हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, हालांकि ऊपर भी इतने बड़े नहीं है, लेकिन ये और ईजी हो गया, 1.5 टाइम चला गया, इसे काटा, 3 * 3 2 बच गया, तो 3 * 6 = 18 ऐसे चलता चला जाएगा। अब इनमें क्या बताना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। पहले सबसे बड़ी भिन्न देख लो, इसमें इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ये है, तो सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई। क्लियर है, 2/3 क्या है, सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी कौन सी है, 1.5 वाली है। क्लियर है, तो कौन सी है, 3/5, और इनका क्या बताना है हमें, अंतर बताना है। आप कैसे निकालोगे, इनका क्या लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना हो गया, 5 * 15, और ये कितना हो गया, 5 * 2 = 10 -3 * 9, तो ये कितना हो गया, 1/15। देखो ये वाले जो जिसे इन टाइप की चीज़ों में प्रॉब्लम है ना, कि आपका ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत है प्लस माइनस वगैरह में, तो हमारा जो है यहाँ पर प्ले लिस्ट के अंदर आप जाओगे, प्लेलिस्ट में जो है बेसिक मैथमेटिक्स का फोल्डर है, बेसिक मैथमेटिक्स का आपको फोल्डर मिल जाएगा इसके अंदर, जिसके अंदर आपको प्लस और माइनस के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है, तो थोड़ा लंबी 1.5 घंटे के करीब की, मतलब 1 hour 25 minutes की, लेकिन उसमें जितने भी प्लस माइनस के जितने भी टाइप्स होते हैं ना, सारे कवर कराए गए हैं। साथ ही एक बेसिक की 40 question की मिक्स वीडियो पड़ी हुई है, वो भी देख सकते हो, वर्ड मास भी पड़ा हुआ है, वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ वीडियोस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, जिन्हें बेसिक में दिक्कत है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 देखो भाई, यहाँ पर क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। देखो ये थोड़ा समय और कार्य से क्वेश्चन आ गया, जो ए और बी हैं दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि ए अपनी गति से दुगनी तथा बी अपनी गति से आधी गति से कार्य करे, तो वह यह कार्य 4 दिन में पूरा हो जाता है। देखो क्या कहना चाह रहा है, देखो ये मैंने ये ले ली कि ए कार्य इतना करता है, बी इतना करता है, तो कितने, 5 दिन में कार्य कर लेता है। ठीक है, अब ये अपनी गति से कितनी दुगनी गति से कर रहा है, तो ये 2a हो गया एक तरीके से। क्लियर है, और बी अपनी गति से क्या कर रहा है, आधी गति से कर रहा है, तो ये b/2 हो गया, और ये मिलकर, ठीक है, इतनी गति से जब मिलकर करते हैं तो कितने दिन में काम को पूरा करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो अब ये पूछ रहा है कि यदि जो ए को अकेले ही इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, मतलब आपको ये बताना कि यदि ए जो है इस कार्य को अकेला करे तो कितने दिन में कर पाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, आप इन दोनों का एलसीएम लेते हो, 20 का और 5 का और 4 का एलसीएम लिया, तो कितना हो गया, 20, ये तो क्या आ जाता है, कुल कार्य आ जाता है एक तरीके से, जो कुल कार्य आ गया, टोटल कार्य जितना है। क्लियर है, ये तो दिन है यहाँ पर। अब इसको आपको क्या करना है, 20 को 5 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब 20 को 4 से डिवाइड करा तो 5 आ गया। ये क्या आ गया, इनकी कैपेसिटी आ गई, कि इन दोनों की कैपेसिटी इतनी है कि ये 4 कार्य करते हैं एक बारी में।
क्लियर है। एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, चार कार्य कर रहे हैं, और ये कितना कर रहे हैं, ये लोग इतना मिलके ये पांच कार्य कर रहे हैं, तो कैपेसिटी आ गई। क्लियर है, बात समझो। अब हमें, लेकिन हम तो एक से अकेले से कराना है ना, हमें किससे कराना, ए से अकेले से कराना, तो एक ही अकेले की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। इस इक्वेशन को कभी भी ऐसे रख के सोल्व मत कर देना कि ए प्लस बी बराबर पाँच और ये रख के चार बराबर रख के सोल्व कर दोगे, नहीं। देखो तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कैपेसिटी की बात हुई है, तो हमें इसे कैपेसिटी को कैपेसिटी के ही इक्वल रखेंगे। क्लियर, यहाँ भी तो बोला ना, देखो ए अपनी क्षमता से दुगनी क्षमता से काम करता है, बात समझ रहे हो ना, तो क्षमता की बात हो गई, तो यहाँ पर भी कैपेसिटी आती है, इसे भी कैपेसिटी के बराबर रखते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, ए प्लस बी बराबर किसके, चार के, और ये टू ए प्लस के बी बाई टू बराबर किसके, पाँच के। क्लियर है, अब इसे चेंज कर लो, एलसीएम कितना आ गया, दो आ गया, तो ये कितना हो गया, फोर ए प्लस के बी बराबर पाँच के। अब ये दो इधर गुना में तो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर ऊपर, फोर ए प्लस के बी बराबर किसके आ गया, आपका दस के आ गया। और पहली इक्वेशन क्या थी, ए प्लस बी किसके बराबर, चार के। क्लियर है, ठीक है, ये इतना सोल्व करके दिखा दिया, वरना तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो दोनों के कोफिशेंट सेम है, तो घटाने पर कर देंगे। क्लियर है, सही है, तो ये कितना बच गया यहाँ पर, 3a बराबर किसके, 6k, तो a बराबर किसके, 3k, सॉरी 2k। क्लियर है, तो कुल मिला के a की क्षमता अकेले की कितनी आ गई, 2 आ गई। a कितनी क्षमता से काम करता है, 2। अब टोटल काम कितना है, 20 है, तो कितने दिन में करेगा भाई, एक दिन में दो काम करता है तो 10 दिन में करेगा। कैसे निकाल लेते हैं हम, हमें दिन निकालने, तो 20 बटे 2 कर दो सीधा, तो हमारा कितना आ गया, 10 दिन इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया, रफ कर दूं। देखो क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं, शांत हो जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। निम्न वृत्त में आपको क्या दे रखा है, एंगल CAD प्लस एंगल CBD का मान क्या होगा ये बताना। देखो आपको ये वृत्त दे रखा है, क्लियर है, ये हमें वृत्त दे रखा है, ये एक जीवा दे रखी है, कोई ये सेंटर पॉइंट दे रखा है O, ठीक है, इससे ये ऐसे दे रखा है, और आपका ये ऐसे और ये ऐसे दे रखा है। क्लियर है, ये एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। अब देखो, अब इसकी जो है ना एक प्रॉपर्टी होती है वृत्त की, पहले एक प्रॉपर्टी समझ लो फिर इस क्वेश्चन को बताएंगे। इसके पहले नाम लिख देते हैं, यहाँ पर ये सी दे रखा है, ये डी दे रखा है, ये ओ दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। आपको क्या पूछा है, CAD प्लस CBD, CAD प्लस CBD, मतलब ये अगर जो कौन एच डिग्री मान लूँ और ये वाला वाई डिग्री मान लूँ, तो आपको एक्स प्लस के वाई की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगी, बात समझ रहे हो। अब देखो एक चीज़ समझो, आपका जो कोई भी कोण जो केंद्र पर बनाता है वृत्त, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे कोई भी कोण बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर जो 2a कोण बना रहा है ना, तो इसी जीवा से, सेम जीवा वाले पॉइंटों से आप कहीं भी कितने भी वो बना दो जो इसकी परिधि से जाते हैं, ठीक है, ये हमेशा इसके आधे होंगे, इसके हमेशा आधे होंगे, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो केंद्र पे कोण बनता है ना जिस जीवा का, अगर जो उसी जीवा का हम उसकी परिधि पर कोण बनाए, वो हमेशा केंद्र का आधा होता है। केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है, ये क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर जो हमें ये वाला कोण पता चल जाए, तो ये पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये भुजा इसके बराबर होती है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, बात को समझ रहे हो, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। क्लियर है, अब देखो जब ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, आपको पता है जो ये वाला कोण होता है, ये इस कोण के बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ना, समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। ये वाला कोण निकाल दो, तीनों कोणों का योग कितना होता है किसी भी त्रिभुज का, 180 डिग्री, तो इसे इसे जोड़ो और इन्हें जोड़ो। क्लियर है, ये हमने मान लिया, ये कोण एंगल ओ है, एंगल ओ प्लस 30 प्लस 30 बराबर किसके, 180 के, इधर जाके 60 माइनस हो जाएगा, 30 और 30 60 होता है, माइनस हो गया, 20 डिग्री बच गया, बात समझ लो, ये कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो ये वाला कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, और ये भी कितना हो गया हमारे पास, 60 डिग्री हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, 60 और 60 को जोड़ोगे तो कितना आ गया, वही x प्लस वाई पूछ रहा है ना यहाँ पर, 120 डिग्री, यही क्या है हमारा आंसर है। क्लियर है कि नहीं है, क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, इसमें क्या कह रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य जो है 720 रुपये था, एक व्यक्ति ने दो उत्तरोत्तर छूट प्राप्त करके उसे आपका 550.80 में खरीदा, यदि पहली छूट 10% थी तो दूसरी छूट कितनी है। देखो देखो ये क्वेश्चन जो है ना, वैसे तो अलग टाइप के हैं, ठीक है, हम इसमें 100 मान के भी कर लेते हैं, और इसमें आपका जब हम क्वेश्चन करेंगे ना
इस वाले चैप्टर को तो अलग तरीके से भी देखेंगे, लेकिन इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक वाला, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस का लेवल है तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। देखो हम क्या कह रहे हैं, देखो अंकित मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य क्या होता है, MRP होता है, क्या होता है, MRP होता है, और जो भी हमें कितनी दे रखी है 720, जो भी छूट मिलती है ना हमेशा MRP पे मिलती है। आपने देखा होगा आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो MRP पे तो छूट मिलती है, ये थोड़ी कि वो खरीद के खुद खरीद के 100 रुपये की चीज़ लेके आया और तुम्हें उस पर छूट दे देगा, कोई नहीं देता ऐसे, वो हमेशा अंकित मूल्य पर छूट देता है, ठीक है। MRP क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, क्लियर है। तो देखो इसने क्या बोला, दो छूट दे रहा है, 720 रुपये पे पहली छूट तो कितनी थी, 10% की थी, 10% की छूट थी तो कितनी वैल्यू बची उसकी, उसकी वस्तु की 90% बची, ठीक है, तो 90/100 हो गया, ठीक है। फिर दूसरी छूट और दे रहा है, दो कर्मागत छूट दे रहा है ना, दूसरी छूट हमें नहीं पता कितनी दे रहा है, ठीक है, तो कितनी बची इसकी वैल्यू, 100 माइनस हमने मान लिया कि x प्रतिशत की छूट दे रहा है, क्लियर है, बटे 100, ये हमारा फॉर्म बन गई इक्वल टू। अब इक्वल टू क्या आया, तो आपको छूट, जब छूट देता है एक व्यक्ति ने दो उत्तरोत्तर छूट प्राप्त करके उसे कितने में बेचा, 550.80 में बेचा। तो कोई क्वेश्चन इस टाइप का, जैसे आपने कोई 100 रुपये की चीज़ लाए थे, ठीक है, और आपने बोला कि उसे 20% छूट पे बेचा, तो कुल मिला के 80 रुपये में बेचा, तो आपने क्या करा, 80/100 कर दिया, ठीक है, तो कितने के बराबर आ गया, 80 के आ गया, चाहे तो आप सोल्व करके देख लो, 80 आ रहा है ना, तो यहाँ पर दो छूट दे रहा है तो दो छूट दे दी, पहले 10 दी थी तो 90/100 हो गया, फिर आपको ये तो नहीं पता कितनी छूट दे रहा, तो उसे एक्स मान लिया, तो 100 माइनस एक्स अपोन में 100, और कितने में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस ही तो मिला ना जितने में बेच रहा है, ठीक है, कितना है हमारे पास, 550.80, क्लियर है। जब हम इसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर तो क्या हो गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई हमारी, क्लियर है, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, ये गुना में चला जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 550, 100 की गुना होगी तो ये 80 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना बन गया, 72/9 बन गया। अब देखो इनके योग कितना बैठ रहा है, 18 बैठ रहा, तो 9 से डिवाइड हो गए, तो संख्या को डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ठीक है, 9 से डिवाइड कर लो, देखो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 6 बार चला गया, 1 बच गया, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 कट गया, क्लियर। अब भी कट रहा है क्या 9 से, चेक कर लो, देखो 7 और 2 = 9 कट रहा है, तो काट लेते हैं 9 से, 9 × 8 = 72, 9 से काटा, ठीक है, 9 × 6 कितना हो गया था हमारा, 54 हो गया, क्लियर है। अब कितना बच गया हमारे पास, 7, ठीक है, 72 हो गया, 9 × 8 = 72, ये आ गया, 8 से काट लो, 8 से नहीं 4 से काट लेते हैं पहले, 4 × 2 = 8, 4 से काटा, 4 × 4 कितना हो गया, 2 बच गया, 28 हो गया, 4 × 7 = 28, 170 बार, 2 से काटा तो कितनी बार चला गया, 2 × 8 = 16, 1 गया 2 × 5 = 10, ठीक है, 85 आ गया। अब देखो क्या बन गया हमारे पास, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 85, एक्स तो इधर चला जाएगा, 85 इधर आ जाएगा, तो कितना एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 15, क्लियर है। तो हमारा क्या आ गया, 15% की छूट दे रहा, दूसरी छूट कितनी है, 15% की है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, 87 में क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास कितना दे रखा है, 28 मीटर दे रखा है, 66 किलोमीटर चलने के लिए यह कितने चक्कर लगाएगा। देखो पहिए को समझते हैं, पहिया क्या होता है, एक वृत्त के आकार का होता है, बात समझ रहे हो, अगर पहिया घूम रहा है, जो भी आपका किलोमीटर होता है ना, समझो जो किलोमीटर सुई वो नहीं हो चलती है आपकी, जो सुई चलती है वो कैसे चलती है, वो इसकी परिधि को नाप के रखती है, जितने राउंड लेता है ना उसके अकॉर्डिंग वो दिखा देती है कि इतनी दूर हमारी गाड़ी चली है, क्लियर है, बात समझ रहे हो। और इसकी पहिए कोई भी वृत्त है उसकी परिधि क्या होती है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, क्लियर है। तो हमारा इसमें इसकी परिधि का फॉर्मूला तो 2πr आ गया, और जब भी चक्कर वाली बात आती है ना कि कितने चक्कर लगाए, तो उसकी n से गुना कर दो, भाई जितने चक्कर लगाएंगे उतनी डिस्टेंस ये कवर करेगा, एक चक्कर में 2πr, खाली अपने एक बार के एक परिधि के बराबर दूरी तय करी, 10 चक्कर में 10 परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, तो कुल मिला के एन है, हमें तो नहीं पता कितने हैं, लेकिन दूरी दे रखी है, दूरी कितनी है हमारे पास, 66 किलोमीटर है। अब देखो जो त्रिज्या है वो तो किस में दे दी इन्होंने, मीटर में दे दी, 28 मीटर में दे दी, और जो दूरी है वो किलोमीटर में दे दी, तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी पहले तो हमें, क्लियर। यूनिट कैसे सेम करोगे, 66 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो 1000 से गुना करके, बात समझ रहे हो। और इसकी जगह क्या रख देंगे, देखो ये 2 × π की जगह 22/7 रख दिया, r की जगह 28 रख दिया, × n = 66,000, क्लियर है।
अच्छा हाँ सॉरी यहाँ पर क्या दे रहा है, देखो व्यास दिया हुआ है, क्लियर है। यहाँ पे हमने गलती से क्या ले लिया, त्रिज्या ले लिया, लेकिन हमें क्या दिया गया है, व्यास। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधा आधी होती है, तो क्या हो गया ये 14 हो गया, क्लियर है। तो ये क्या ले लेंगे हम, 14 ले लेंगे, ठीक है। अब इससे देखो डिवाइड कर दो, 22 से काटा 22 दिया 3000 आ गया, क्लियर है। अब देखो 7 से काट लिया, 7 दूनी 14, ठीक है। अब ये कट रहा है आगे आगे, इसे एक काम करो इसे डिवाइड में ले जाओ, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 3000 बटे 4 आ गया। 4 से काटो, 4 सत्ते 28, 2 गया 4 पंजे 20, 750, तो एन इजिकल टू कितना आ गया, 750 चक्कर। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, इतनी दूरी तय करने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब बात आ गई समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, एक दुकानदार 10 किलोग्राम चावल 600 रुपये में खरीदता है। अगर जो हम बात करें ना 10 किलोग्राम चावल के मूल्य की, अगर जो हम उसके CP की बात करें, तो कितने में खरीद रहा है, 600 रुपये में खरीदता है, ठीक है। और उसे 2 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य की हानि पर बेचता है। देखो अब 2 किलोग्राम के विक्रय मूल्य की हानि पर बेच रहा है, तो हमने क्या करा, 1 किलोग्राम चावल का जो SP है ना, विक्रय मूल्य है, वो कितना मान लिया, X मान लिया। तो 2 किलोग्राम चावल का जो विक्रय मूल्य है, जो SP है, ठीक है, ये क्या होता है, SP को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, क्लियर, सेलिंग प्राइस, क्लियर है। तो कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है। और 10 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। बात समझो, सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली यहाँ पर। अब क्या कहता है ये कि उसे वो 600 रुपये में खरीदता है और उसे 2 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि पर बेचता है। मतलब उसने बेचा कितनी हानि पर, कि आपको 2 किलोग्राम के विक्रय मूल्य की हानि पर, इतने में तो खरीद के लेके आया, और कितने हानि पर बेचा, इतनी हानि पर बेचा। तो इसमें से ये माइनस कर दूँ तो उसका सेलिंग प्राइस एक्चुअल वाला आ जाएगा, क्योंकि हानि में बेच रहा है ना वो, तो उसका कितने में बेचा, उसने 600 माइनस 2x में बेचा। बात को समझ रहे हो। और अपने अकॉर्डिंग 10 किलोग्राम का विक्रय मूल्य कितना आया था, ये भी तो सेलिंग प्राइस ही आया, तो ये किसके बराबर, 10x के बराबर। बात को समझ रहे हो, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, चावल का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य निकालना है, इधर जाके क्या हो गया, 12x हो गया। तो 600 बराबर किसके, 12x के, 12 से इसे डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, 50 बार चला गया, तो x बराबर कितना आ गया, 50 रुपये। तो उसका विक्रय मूल्य कितना है, 50 रुपये, क्लियर है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें कह रहा है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाने तथा प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है, धारा प्रवाह ज्ञात कीजिए। देखो धारा प्रवाह मतलब धारा की चाल बतानी है, ठीक है। हम इसमें क्या कर लेते हैं, माना जो नाव की चाल है ना, जो मोटर है उसकी शांत जल में, मतलब जो आपका स्टील वोटर होता है उसमें जो चाल है वो x मान ली, ठीक है। और जो धारा की चाल है, ठीक है, वो कितनी मान ली हमने, y मान ली, क्लियर है। अब देखो कह क्या रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो शांत जल में मोटर बोट की जो चाल दे रखी है, देखो शांत जल में चाल कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो दी हुई है ना, तो मानने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर है। अब देखो, अब इसने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि आपका धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाने में, मतलब आपका ये मान के चलो ये आपका पानी है, ठीक है, और ये जो बोट है आपकी धारा के विपरीत जा रही है, कि पानी तो ऐसे बह रहा है और आपकी बोट जो है ऐसे जा रही है, और टोटल कितना है, 36 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसे क्या है हमारा, ये क्या होता है हमारा, अपस्ट्रीम होता है, जो आपका धारा के विपरीत जाता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोलते हैं, क्लियर है। मतलब धारा के विपरीत दिशा में, क्लियर है। और तथा प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में 5 घंटे लगते हैं। अब एक बात बताओ, विपरीत गई थी, अब पानी तो इधर ही बहता रहेगा, अब ये थोड़ी कि पानी अलग दिशा में बहने लग जाएगा, जो तुम वापस आओगे पानी तो उसी डायरेक्शन में बहेगा, तो जब वापस आओगे तो तुम्हें उसकी स्पीड का फायदा मिलेगा, मतलब तुम डाउन स्ट्रीम आओगे, धारा की दिशा में वापस आओगे, तो तब भी कितना आ रहे हो, 26 किलोमीटर वापस आ रहे हो। बात समझ रहे हो, क्लियर है, तो आप ऐसे ही आ रहे हो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब आप जो है, ये तो अपस्ट्रीम गए और ये डाउनस्ट्रीम गए, जब आप अपस्ट्रीम गए मतलब जो धारा की विपरीत दिशा में गए, तो आपकी चाल कितनी थी, आपकी चाल कितनी थी, आपकी चाल थी आपका 15 में से y माइनस कर दो, ओवरऑल चाल कितनी आई आपके पास, अपस्ट्रीम कितनी हो गई, 15 माइनस y, क्योंकि ये आपकी चाल को पीछे धकेलेगी ना, क्लियर है। और जब आप डाउन स्ट्रीम आए मतलब उसकी दिशा में आए, तो आपकी कितनी चाल हो गई, 15 प्लस y हो गया। अब बात क्या आई कि आपको जो टोटल टाइम लगा ना वो 5 घंटे का लगा, मतलब ये समझ लो कि जाने में तो आपको T1 टाइम लगा और आने में आपको कितना टाइम लगा, T2 टाइम लगा, और टोटल टाइम कितना लग गया,
5 घंटे लग गया। अब देखो आपका समय बराबर, देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल हो गया, मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ठीक है, आप लिख सकते हो समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल होती है। ठीक है, अब दूरी देखो, दूरी तो कितनी है यहाँ पे, 36 किलोमीटर ही जा रहा है, 36 ही तो जा रहा है, और चाल कौन सी है, जब जा रहा है तो चाल कौन सी है, 15 माइनस वाई। ठीक है, और जब आ रहा है तो चाल, तो दूरी तो उतनी है 36 ही, और चाल कितनी है आपके पास, 15 प्लस वाई, और किसके बराबर, 5 के बराबर आना चाहिए। अब देखो इसे चाहे तो हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ऑप्शन से जाना है, ऑप्शन से जाएंगे तो बड़ी जल्दी होएगा। देखो इसके ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, इसके ऑप्शन है 5 किलोमीटर प्रति घंटा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 10 किलोमीटर, तीसरा है 3 किलोमीटर। ये धारा की चाल पूछी है ना, धारा प्रवाह ज्ञात करना है हमें, तो धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो धारा की वैल्यू इसमें जो है ना, इनकी वैल्यू पुट करके देख लो, पहले 5 रखो, फिर 10 रखो, फिर 3 रखो, जौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब इसे सोल्व करोगे ये आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो वो सही है, अदरवाइज गलत है। अब देखो रख के देखते हैं, पहले हमने क्या रखा, 5 रखा, जैसे ही आप 5 रखोगे तो 36 बटे, देखो 15 माइनस 5 कितना बच गया, 10 बच गया, और ये क्या बन गया, 36 बटे 20 बन गया। क्या 5 आ जाएगा, क्या नहीं आएगा, 3.6 बन जाएगा, ये कुछ अलग बनेगा, तो 5 तो नहीं बन रहा ना, 5 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं है, बात समझ में आए। जब 10 रखोगे तो ये 5 बन जाएगा, 36 बटे 5, और ये कितना बच जाएगा, 25 बन जाएगा, तो नहीं आएगा, आइडिया लग रहा है ना, पॉइंटों में बन रहा है। ठीक है, 3 रख के देखो, देखो जैसे ही आप 3 रखते हो ना, तो आपका कितना हो जाता है, ये तो 36 बटे 12 बन जाएगा, 15 माइनस 3 कितना हो गया, 12 हो गया, और ये 36 बटे 18 हो गया। देखो 12 से करा, 12 तिया 36, 18 से करा, 18 दुनी 36, और 3 और 2 को जोड़ा तो कितना आ गया, 5 आ गया, और 5 ही आना चाहिए। बात को समझे कि नहीं समझे, क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे देखना है। ठीक है, ऑप्शन से चले जाना है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, वरना तो कर भी सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, कर लेना, फिर एक क्वेश्चन ही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो जीएस वाला पोर्शन आएगा वो तो मैम कराएंगी, और जो आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन है वो मैं ही कराऊंगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, पारुल तथा रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:5 है। देखो जो पारुल है और जो रोहित है उसकी जो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल, अब देखो 5 वर्ष बाद इनके आयु का योगफल कितना हो जाता है, 94 हो जाता है। अब एक बार बताओ, ये तो वर्तमान आयु का दे दिया, और जो हमें योगफल दे दिया वो 5 वर्ष बाद की आयु का दे दिया। अब दोनों में 5-5 वर्ष जुड़ रहा है ना, तो 10 वर्ष दोनों में जुड़ गया भाई, 5 वर्ष बाद इसकी आयु भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, इसकी आयु भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योगफल कितना रहा होगा, 94 माइनस 10 तो 84 रहा होगा। बात को समझ रहे हो, अगर जो मैं 5 वर्ष पहले की, मतलब 5 वर्ष पहले क्या, वर्तमान में पहुंच गए, ये तो 5 वर्ष बाद की आयु का योगफल है ना, ये तो 5 वर्ष की बाद की आयु का योगफल 94 दे रखा है, वर्तमान की आयु पे आ रहा, तो ये दोनों के 5-5 वर्ष घटा दो इसमें से, तो 10 घटा दिए तो कितना बच गया, 84 बन गया, और इसमें अनुपात कितना दे रखा है वर्तमान में, 7:5 दे रखा है, तो इनका टोटल ये योग दे रखा है ना, तो अनुपात में योग कितना हो गया, 7:5 12, तो 12 किसके बराबर, 84 के बराबर। ठीक है, तो 1 किसके बराबर, 12 7 84 के बराबर। क्लियर, अब पूछा क्या है इसके अंदर, इसके अंदर पूछ रहा है कितने वर्षों बाद रोहित की आयु पारुल की वर्तमान आयु के बराबर होगी, तो पहले तो इनकी वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी, पहले तो पारुल की आयु निकाल दो, पारुल की वर्तमान आयु कितनी है, 7 × 7 = 40 कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक है, और राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, 5 के बराबर, तो 5 × 7 कितना हो गया, 1 बराबर तो उसके है ना, तो हमारा कितना आ गया, 35 वर्ष आ गया। अब ये कह रहा है कि कितने वर्ष बाद जो राहुल की आयु है, जो रोहित की जो आयु है वो पारुल की वर्तमान आयु के बराबर होगी। अब देखो कितने वर्ष बाद होगी आपका, 49 में से 35 घटाओ, कितना बच गया हमारे पास, 4 और आपका 14। अब 14 वर्ष बाद ही तो ये 49 वर्ष की आयु पे पहुंचेगा रोहित, तो 14 वर्ष बाद ही इसके बराबर आयु का होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा कि 14 वर्ष बाद जो है रोहित की आयु पारुल की वर्तमान आयु के बराबर होगी।